नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का न्यू टू एक्सप्लोर की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कैलाश। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको पता ही कि हम चावला मोटर का आपको बेहतरीन स्टॉक दिखाते रहते हैं, उसी कड़ी में हम आज एक बार फिर आ गए हैं। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होगा क्योंकि हमने पहले आपको SUV और XUV और मारुति का कलेक्शन दिखाया था, और आज हम सिर्फ आपको इस वीडियो में MUV रेंज की गाड़ियाँ दिखाएंगे, जिसमें आपको डस्टर होंगी, कुछ अर्टिगा होंगी, इको टाइटेनियम होगी और होंडा CRV आप मेरे पीछे देख रहे हैं। तो ये सारी गाड़ियाँ दिखाऊंगा, डिटेल ड्रिवन सब कुछ दूंगा। उससे पहले वो तीन नाम जिन्होंने हमारे वीडियोस पे बहुत ही बेहतरीन कमेंट किए, जिनमें पहला नाम जाता है सोनू और दूसरा नाम है यशवर्धन और तीसरा नाम है सिमांग, तो आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे और इतने सपोर्टिव कमेंट करने के लिए। तो उससे ज़्यादा देर नहीं करेंगे, दिखा देते हैं आज आपको चावला मोटर का एक बार फिर से MUV का बेहतरीन कलेक्शन। तो दोस्तों, करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। और बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन लगा हुआ है चावला मोटर पे, और लास्ट टाइम हमने XUV और मारुति सुजुकी का आपको कलेक्शन दिखाया था और बहुत ही पसंद किया आपने, और आज तो कुछ खास है फिर से। प्रमोद जी, पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत न्यू टू एक्सप्लोर में, और आज आप हमें क्या खास दिखाने वाले हैं? आज सर हम आपको मिक्स वेरिएंट दिखाएंगे। ओके, MUVs जितनी होती हैं ज्यादातर वो दिखाएंगे। मतलब आज पिछली बार हमने XUV SUV दिखाई थी, आज MUV दिखाएंगे। सिर्फ MUV? हाँ जी, 5 सीटर। तो शुरुआत कर लेते हैं, डस्टर खड़ी हुई है, सबसे पहले इस डस्टर से ही डिस्कस करेंगे। सर, क्या डिटेल है इसकी? सर, डस्टर 2013 मॉडल है ये। ठीक है, RXL वेरिएंट है। ओके, बहुत ही शानदार गाड़ी है सर। एक टाइम तो की तो राजा गाड़ी है एक टाइम की। ये डीजल में आती है? डीजल। ओके, पेट्रोल भी आती है सर। हाँ, लेकिन ये डीजल, ये डीजल है। लेकिन कितना इसका चल चुकी है? ये चल गई है 65,000। टेंट पेंट कुछ? सर, एक आधा पीस देखिए, छोटा मोटा स्क्रैचेज होते हैं, वो हमें पेंट कराना ही पड़ता है, बाकी नॉन एक्सीडेंट, नॉन एक्सीडेंटल गारंटीड सर। ओनर फर्स्ट। प्राइस पे आ जाते हैं? प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस सर, सिर्फ 3,85,000। 3,85,000 में 2013 मॉडल, 13 मॉडल डीजल वेरिएंट RXL, बहुत ही बेहतरीन प्राइसिंग। बढ़ेंगे आगे, एक और आपको डस्टर दिखाएंगे, दोनों सेम कलर में, इसका भी कलर यही है और उसका भी यही कलर है। तो सर, इसकी क्या डिटेल है? ये सर सब कुछ सेम है, बस 2014 मॉडल है ये। ओके, तो फीचर सेम है दोनों? फीचर्स लगभग सेम है। ओके, कितनी ये कितनी चल चुकी है? ये चलिए 48,000, 2014 मॉडल है ये। तो इसका क्या प्राइस है? ये सर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है हमारे पास, 4,15,000। फीचर बताओ, क्योंकि हमने उसमें बताया नहीं उसमें क्या क्या आता है। सर, फीचर इसमें पावर विंडोज आ जाती है, पावर स्टीयरिंग आ जाता है, कंप्रेसर स्टीरियो आ जाता है, कंट्रोल AC कंट्रोलर आ जाता है इसमें। ओके, सब कुछ आता है, क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह रहता है। जी जी। ओके ओके, तो ये 4,15,000 में एक ये डस्टर खड़ी हुई है, 2014 चावला मोटर की स्पेशलिटी है कि आपको बहुत ही सस्ती और अच्छी गाड़ियाँ देते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, खास गाड़ी बहुत ही डिमांड कर रहे हैं आजकल आप लोग, अर्टिगा। सर अर्टिगा है ये, 2013 मॉडल है, दिल्ली नंबर है आपकी, हमने पहले भी दिखाई थी दो तीन। हाँ जी, पहले भी दिखाई थी। ओके, ये अलग उसके बाद की आई हुई है, वो तो सर आपकी जो पुरानी दिखी हुई सब गई सर, गई सब। अच्छा, अब ये नई आई है, ये 2013 है, ये भी VDI है। ओके, सब कुछ सेम है, वो भी हमने VDI सर। ओके ओके, अर्टिगा ज़्यादातर VDI आती है डीजल में। डीजल में तो बाकी इसमें फीचर्स को देखें तो क्या क्या पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, कंप्रेसर स्टीरियो सब कुछ होता है। तो अब प्राइस भी आ जाते हैं सीधे। प्राइस सर इसका 2013 मॉडल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, सिर्फ 4,00,000 रुपये। सिर्फ 4,00,000 है? और चली हुई कितनी है ये? ये चली हुई है आपकी 65,000। तो ये अर्टिगा हो गई, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं इसलिए हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और काफ़ी गाड़ियाँ आज हम आपको दिखाएंगे। बड़ा ही शानदार कलर है ये, ऑरेंज कलर कहेंगे इसे? ऑरेंज कलर कहेंगे वैसे इसको सर, लेकिन पैशनेट रेड होता है ये। कौन सा? पैशनेट रेड। पैशनेट रेड, ओके। तो क्या डिटेल है इसकी? 2013 मॉडल है। ठीक है, ये पेट्रोल है, इको बूस्ट। इको बूस्ट, ओके, इको बूस्ट। इको बूस्ट जो थी सर उस समय अपने एक ऑर्डर पे मंगाई जाती थी, ऑर्डर पे ये मैन्युफैक्चर हुआ करती थी। ओके, इसमें सबसे प्लस पॉइंट है इसकी एवरेज। ओके, कितना माइलेज देता है? इसकी एवरेज आती है आपकी 15-16। हमने जो तीनों गाड़ी दिखाई है वो डीजल में है तीनों। हाँ, वो कितना निकाल? वो लगभग 17-18 थोड़ा ज्यादा रहता। हाँ, है मगर तो ये पेट्रोल पे आपका 15-16 निकालता है तो बहुत ही अच्छा अच्छी मान है। हाँ, क्योंकि इसका जो इंजन होता है वो सिर्फ 1000 सीसी का है। हाँ जी, ओके, समझ गया मैं। ये मॉडल कौन सा है? 2013 टाइटेनियम। टाइटेनियम कितना ये चल चुकी है लगभग? ये चली है सिर्फ 45,000। इसमें थोड़ा कुछ लगवा रखा है, हो रखा है कुछ? नहीं सर, बिल्कुल कोई टचिंग नहीं, बिल्कुल बंपर टू बंपर ओरिजिनल है पूरी। हाँ जी,
क्या प्राइस मारेंगे इसके? ये प्राइस सर सिर्फ और सिर्फ 3,95,000। नहीं सर, ये उस समय आ रही थी आपकी 11.5 ऐसे पॉइंट पड़ती है जी। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी बेहतरीन गाड़ियाँ आज एक और अर्टिगा आपके सामने खड़ी हुई है चावला जी। ये सर 2012 है, VDI है। हाँ। सब कुछ सेम है सर इसमें भी, वो जो उसमें है वो सब कुछ सेम, सब कुछ सेम है सर, फीचर वाइज सब कुछ सेम है। ये कितनी चली हुई है? ये चली हुई है आपका 75,000। इसको हम जो है प्राइस क्या माने हैं? ये 2012 मॉडल है, ये VDI है, ये VDI है, सिर्फ और सिर्फ इतना अट्रैक्टिव प्राइस है इसका कि आप भी कहेंगे सर वाह क्या प्राइस है, सिर्फ 3.5 लाख रुपए। चलिए तो एक हमारा नाम जरूर लेना यहाँ पे जब आए तो मेंशन करना, तो आपको एक स्पेशल रिगार्ड मिलेगा और एक स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो ये हो गई एक और अर्टिगा, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं। अब आपको दिखाएंगे स्पेशल गाड़ी जो कि बहुत कम हमने जो है कवर की है, और आज यहाँ पर खड़ी हुई हैं 4-4 होंडा CRV, अलग अलग कलर की हैं सारी, अलग अलग वेरिएंट हैं। तो प्रमोद जी, आज हम चावला मोटर पे CRV पहली बार देख रहे हैं। बिल्कुल सर, CRV सर बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा, ये जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट जिसे बोलते हैं वो उस तरह की गाड़ी है सर। बिल्कुल मेन है ये, पेट्रोल पे आती है, 5 सीटर है ये। ओके, बहुत ही शानदार गाड़ी है होंडा सिटी। ये वाली कौन सी वाली CRV है? ये CRV है ये। हाँ। ये मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन इसके फीचर की बात करें तो इसमें खास हमें सर क्या? फुली लोडेड होती है ये CRV, बिल्कुल फुली लोडेड होती है। इसमें और कोई वेरियंट आते हैं? दो ही वेरियंट आते हैं, एक मैनुअल और एक ऑटोमेटिक। इसकी क्या डिटेल है? ये 2007 मॉडल है, ये ड्रिवन है आपका 80,000। ठीक है, और इसका प्राइस है 2,75,000। बाकी ये कितनी चल चुकी है? ये 80,000। इसमें तो बंपर वम्पर हो रखे? बिल्कुल सर, बिल्कुल 2007 मॉडल है, बंपर वगैरह वैसे नॉन एक्सीडेंटल हमारी गारंटीड होती है सर। ये होंडा CRV हो गई, एक और दिखाते हैं आपको, वाइट कलर में है सर, इसकी क्या डिटेल? ये सर 2008 मॉडल है, ऑटोमेटिक, इसमें आपका मैनुअल इसका ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक का, ऑटोमेटिक का, और प्लस सनरूफ है गाड़ी में। ये कौन सा मॉडल है? ये 2008 मॉडल है। और बाकी इसमें स्पेसिफिकेशंस की थोड़ा सा अगर हम बताएं अपने व्यूअर्स सर, सनरूफ आ जाता है, बाकी सारा कुछ सब कुछ सेम ही होता है, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एयर बैग्स, इनबिल्ट स्टीरियो, सब कुछ होता है इसमें, अलॉय व्हील्स होता है। फर्स्ट ओनर। ये पेट्रोल, ये भी पेट्रोल? पेट्रोल। CRV सारी पेट्रोल ही आती थी पहले। ओके, इनका हम माइलेज क्या ले सकते हैं? सर लगभग इसका माइलेज आता है 10-11। प्राइस पे आ जाता है, ये कितनी चली हुई बताई थी? ये आपकी चली हुई है आपकी 65,000। ये प्राइस सर 3,75,000। वो 2.75, ये 3.75, वो मैनुअल ट्रांसमिशन विदाउट सनरूफ, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विद सनरूफ। ओके, तो इसमें आपको सनरूफ भी मिल जाता है और साथ में इसका ट्रांसमिशन भी ऑटोमेटिक है, तो थोड़ा सा प्राइस में वेरी करता ही है। और एक और गाड़ी देखो ये खड़ी हुई है आपके सामने, होंडा CRV, इसका थोड़ा कलर अलग हो गया, ये सिल्वर कलर हो गया, ये सिल्वर हो गया, ब्लैक वाइट सिल्वर वैरायटी भी काफ़ी अच्छी खासी है सर, इसकी क्या डिटेल? ये 2005 मॉडल है, ये भी ऑटोमेटिक है, इसमें सनरूफ नहीं है लेकिन सर। 5 है तो इसकी वैलिडिटी कितनी बची है? 2020 तक, अब 19 चल रहा है, एक साल। कौन से महीने की है पता है? 5 महीना सर मुझे देखना पड़ेगा इसका। ओके। और जो भी है सर 2020 तक इसकी वैलिडिटी, 2020 तक वैलिडिटी है। क्या माने इसको चली हुई? ये सर 1,00,000+ चली हुई है सर, 1,20-1,25 के आसपास चली हुई है। इसके भी ओनर चेंज हो चुके हैं या? हाँ, सेकंड ओनर। इसकी क्या प्राइस है? ये सर बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है, 1,65,000 रुपये। एक साल अपना शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको मैकेनिकली देखें तो ये मैकेनिकली तो सर इसमें कुछ होता ही नहीं सर। अच्छा, इसमें कुछ नहीं होता, आप इसको 10,00,000 किलोमीटर भी चलाते तब भी कुछ नहीं होता, क्योंकि सर ये सबसे पहली चीज होंडा की गाड़ी। हाँ। और होंडा का पेट्रोल इंजन। हाँ। उसका मुकाबला नहीं है सर। तो बढ़ेंगे आगे, आज के ब्लॉक की लास्ट गाड़ी खड़ी हुई है, ये भी होंडा CRV है सर। सर ये 2007 मॉडल है ये। ओके, ये 80,000 चली हुई है, मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये भी पेट्रोल में है? बिल्कुल सर। तो इसका क्या हम माइलेज ले सकते हैं? वही 10-11? वही 10-11 सर, माइलेज सेम होती है, ऑटोमेटिक में और मैनुअल में थोड़ा 1-2 पॉइंट का फर्क आता है। ओके, बाकी सेम ही रहती है। चलिए सीधे प्राइस पे आ जाते हैं, 275 सर। अपने टाइम पे लगभग कितने रुपए की थी ये? अपने टाइम पे लगभग सर आपकी 24 लाख के आसपास आती थी। अब प्रमोद जी लास्ट में वही बारी आ जाती है, हम वैसे तो हर वीडियो में पूछते हैं, इस वीडियो में भी पूछ रहे हैं, एक तो सबसे पहले कि मीटर को अभी तक कन्फ्यूजन है लोगों को, मुझे अभी तक कहते हैं लोग कि हम मान ही नहीं सकते कि इतनी कम चली हुई गाड़ी है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम XUV का डाला था, उसमें भी बोले कि यार 6-8 साल पुरानी गाड़ी है, 60-65 हज़ार हमारी समझ में नहीं आती कैसे हम। सर ये है आपका जो चावला मोटर्स है, ये नहीं कि एक जगह से गाड़ी लेके आते हैं, ऑल ओवर दिल्ली में पूरा हमारे जाल बिछा हुआ, हम हर जगह जाते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स जाते हैं हर जगह, हमारा एक क्राइटेरिया है गाड़ी लेने का। ओके, कि गाड़ी की कंडीशन ये होनी चाहिए,
इतने पीसेस इसके अगर हमें कराने हैं तो इससे ज़्यादा पीस हमें पेंट नहीं कराने हैं गाड़ी के अंदर। मैकेनिकल इसमें ये साउंड होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किलोमीटर्स का भी एक हमारा एक होता है कि गाड़ी इतने से इतने के बीच में चली होनी चाहिए। ओके, मतलब नहीं सर, कई बार हम भी धोखा खा जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ये मानना है कि कोई भी डीलर हो चाहे कोई भी हो, अपना पैसा वो भी गलत जगह नहीं लगाएंगे। बिल्कुल सर। तो हम थोड़ा बहुत श्योर कर सकते हैं कि आप मीटर को भी ज़रूर देखें, लेकिन उसके साथ साथ गाड़ी की कंडीशन क्या है वो ज़्यादा मैटर करती है। अगर इंजन ख़राब है, इंजन में प्रॉब्लम है और मीटर चला है 40,000, लॉजिकल नहीं, लॉजिक नहीं बनता। तो इसलिए वो भी आप ध्यान रखें उस चीज़ का भी। तो अब थोड़ी सी फैसिलिटी की बात करें तो फाइनेंस अवेलेबल है? बिल्कुल फाइनेंस अवेलेबल है सर हमारे यहाँ पर सबके लिए, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया के लिए सर ये थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वेरी करता है। ओके, कि क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या प्रोफाइल है कस्टमर का। ओके, पैन इंडिया, लेकिन ऑप्शन है। दिल्ली एनसीआर के लिए तो बिल्कुल है सर, कोई दिक्कत नहीं। पैन इंडिया, लेकिन ऑप्शन है। ऑप्शन है। ओके ओके। बाकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो अपने पास लगभग सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ यहीं से करा के देते हैं सब कुछ। अच्छा, उसका अलग से चार्जेज होता है ना? बिल्कुल सर। कितना लग जाता है वो लगभग? सर लगभग आप लगा के चलिए, वैसे तो हर अथॉरिटी के हिसाब से है, गुड़गांव का अलग है, फरीदाबाद का अलग है, दिल्ली का अलग है, मगर ओवरऑल आप लगा के चलिए ऑन एन एवरेज तो 5,000 to 6,000 के आसपास बैठता है। इतना बैठ जाता है। हाँ जी। गारंटी वारंटी जिन गाड़ियों पे अवेलेबल है कार डीलर की तरफ से उनको मिलती है। हाँ, बाकी जिन पे नहीं है उनके लिए कुछ थोड़ा सा भरोसा? सर उनके लिए ये भरोसा ये है कि आप गाड़ी लेके जाइए, कोई भी दिक्कत आती है आपकी पूरी हेल्प करने के लिए हम चावला मोटर्स का हर एक एम्प्लॉय बैठा हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी समस्या आती है तो आप कांटेक्ट कीजिए, ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। ख़त्म करेंगे ब्लॉग को, और प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आप बहुत बढ़िया कलेक्शन लेके आते हो, हमारे व्यूअर्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं आपके चावला मोटर्स को और आपको भी इतना बेहतरीन कलेक्शन दिखाने के लिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दो बातों के साथ ख़त्म करूँगा वीडियो को, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहो। इसी आशा के साथ मिलता हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।